जिनको पूरा होना चाहिए था आपका। तो ये जो 250 सड़कों का हिसाब आप 247 सड़कों का आपको हिसाब दे रहा हूं, उसमें एक ही है वो जो उस कार्यकाल का है, 246 अभी के, जिसको अभी खत्म होना चाहिए था, ये नहीं किया गया है। ये कांग्रेस के लोग खासकर बिल्कुल ईवीएम से कोशिश ये की जा रही है कि इतने लोग नामांकन भरें कि उसमें ईवीएम पर चुनाव ना हो, बैलेट पेपर पर चुनाव हो, फिर वो बैलेट पेपर के जिस तरीके से प्रक्रिया वो करना चाहते हैं करेंगे, फाइनली वो चाहते हैं कि चुनाव संपन्न ना हो, फाइनली वो चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण ना हो, फाइनली वो चाहते हैं कि वो अपने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ पाए। भैया जब उनकी बम्पर सरकार बनी थी तब भी ईवीएम ही था, अन्य प्रदेशों में दूसरे दलों की सरकारें बनी है तब भी ईवीएम है भाई। ईवीएम के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है, अब कोई हम उसके स्पोक्स पर्सन नहीं है, हमको नहीं उसमें कहना है ज्यादा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कहा है कि कोई हैक करके बताया भाई दुनिया भर से, वह हैक नहीं करना है लेकिन आम जनता का दिमाग हैक करने की कोशिश करना है। शर्मा जी, जनता सर जो बयान है उस पर सिर्फ जनता पर आप छोड़ देंगे कि कानूनी कार्रवाई भी आगे करेंगे? देखिए कानूनी कार्यवाही भी समाज से उठ करके आता है, उसको मैं व्यक्तिगत क्या कह सकता हूँ, परंतु ये बात जरूर है कि दो बातें इस बात के पीछे है, जो हम लोगों के हाथ में है वह तो जनता से अपील है कि जनता इसका फैसला करे। नरेंद्र मोदी के मूड भुरैया ऐसे कैसे कोनो बोल रहेगा, कैसे कोनो बोल रहे हैं भाई। और दूसरा हम लोग भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैं मोदी का परिवार हूं, पहला लाठी आप मुझे मारो। शर्मा जी, आप विकास के दावे कर रहे हैं, सांसदों ने कई गांव गोद लिए थे लोकसभा चुनाव में, आज उन गांव की स्थिति आप देख सकते हैं, आज भी चुनाव के लिए जो बरस रहे हो गांव, उसको लेकर आप लोग प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, उसका भी कैसे किस तो लोगों के सामने नहीं ला रहे हैं, जबकि आपकी बहुत बड़ी योजना थी जिस पर सांसदों ने गांव को गोद लिया। बहुत काम हुए हैं भैया, उसमें बहुत काम हुए हैं। सर ये जो बयान आया है, इस बयान में मोदी की हत्या की बात करी जा रही है, उसको मोड़ तोड़ने की बात की जा रही है, तो क्या उनके इसको लेकर आपको एफआईआर दर्ज कराएंगे थाने में? मैं आपसे वही कह रहा हूँ, हम लोग अर्थात समाज के ऊपर विषय आता है, क्या फीलिंग होती है समाज की, क्या कोई अनुभव करता है, उसके आधार पर बात आगे बढ़ती है। मंत्री जी, कांग्रेस ये कह रही है कि हमेशा अमित शाह और मोदी का उन सीटों पर दौरा होता है या उन सीटों पर जाके वो शंखनाद करते जहाँ पे बीजेपी को हमेशा हार का खतरा रहता है, और बस्तर पर विशेष उन्होंने फोकस करते इस चीज को कहा। अभी आप दो नाम लिए, एक नरेंद्र मोदी जी का और एक अमित शाह जी का, तो नरेंद्र मोदी जी उस सीट पर जा रहे हैं बस्तर में जहां जगदलपुर में उनका कार्यक्रम है, जहां से किरण देव जी विधायक हैं, और अमित शाह जी जा रहे हैं कवर्धा जहां से मैं विधायक हूं, तो दोनों ही स्थान पर भाजपा है। कांग्रेस एक और आरोप लगा रही है कि नक्सली मुठभेड़ की चल रहा है, आप लोग बस्तर में हार रहे थे। एक ही स्थान है, बीजापुर जिला है जहां पर यह चल रहा है, और चूंकि वहीं पर अधिकतम हत्याएं होती हैं राजनीतिक, अधिकतम कोशिश वहां की जाती है, इसलिए वहां पर सर्च ऑपरेशन ज्यादा हैं, और फिर से नक्सल की इस भीषण समस्या को राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, जवानों का मनोबल नहीं गिराना चाहिए, छत्तीसगढ़ इस समस्या से मुक्त हो इस बात के लिए सबको सोचना चाहिए, बस्तर के गाँव गाँव तक विकास की गंगा बह सके ये सबको सोचना चाहिए। भैया मैं आपसे तो शुरू में ही बोला ना कि भाजपा के नेताओं की हत्या हो रही, ये हम सब मान रहे हैं, और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो उससे अधिक इस बात की बात ये बात है कि भाजपा के नेताओं की हत्या हो रही, और ऐसे कैसे होता है, ये डिफ्रेंशिएशन क्यों होता है भाई? और इसीलिए बस जीजापुर जिले में ही ये सर्वाधिक चीजें हैं, इसीलिए वही बड़ा सर्च ऑपरेशन है, जो आपको बातें पता चल रही वो बीजापुर जिले की ही पता चल रही। सर आपने अपना और किरण सिंह देव जी का जिक्र किया कि भाजपा की सीटें हैं वहां पर, लेकिन पिछले लोकसभा में देखा गया कि दीपक बैद सांसद रहे, अब कवासी लखमा को वहां से टिकट दिया गया है, और कवासी लखमा कांग्रेस के दिग्गज माने जाते, तो कितनी बड़ी चुनौती देख पा रहे हैं? वहां दो कथा है, दीपक बैद जी का टिकट कटा है,
और वो पिछले लोकसभा में ऐसे नहीं, इस बार फिर उनकी घोषणा करके फिर काट दिया टिकट। अब ये कैसा करते हैं, बड़ा कमाल है। फिर अभी लखमा जी को वहां से लड़ा रहे हैं, तो लखमा जी के चुनाव के संदर्भ में मैंने बस्तर का प्रवास किया है, वहां जो जनसामान्य की चर्चा है वो ये है, महेंद्र कर्मा जी के परिवार छबील कर्मा और अन्य लोगों की भी जो चर्चा है वो ये है कि झीरम घाटी के विषय को भूले नहीं है लोग, विशेष रूप से बस्तर के क्षेत्र के लोग, और उनके परिवार की भी जो अपील थी, उनके पुत्र ने जो कुछ कहा था मीडिया के सामने कहा था, आप सबको ध्यान होगा, जन सामान्य के बीच में भी ये चर्चा है। और यह भी चर्चा है कि वो प्रशांत मिश्रा जी वाले रिपोर्ट का क्या हुआ आखिरकार, वो कहाँ है, राज्यपाल जी के पास फिर सरकार को उसको पटल पर रखना था, 2021 का मामला है, क्यों नहीं रखा था सरकार ने, ये सारा ही विषय है। अब वो जनता निर्णय करेगी अंतिम क्या होना है, ठीक है मैं सोचता हूँ। और अभी 4:30 बजे हम लोग लाठी खाने जाएंगे, इनके चरणदास महंत जी के निवास में, कि मैं मोदी का परिवार हूं और आप पहली लाठी मुझे मार लीजिए, ये कह के हम सब लोग जाएंगे, आप लोग भी आइए लाठी।